डेफिनेटली फैब्रिक्स और कलर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी करने के लिए हम जयपुर तक भी गए थे और काफ़ी सारी रिसर्च भी थी जो वहाँ पे की थी। तकरीबन रिसर्च और ड्रेसेस बनाने में 8 से 9 महीने गए थे और डेफिनेटली जो काम है, जो कारीगरी है कपड़ों की, वो काफ़ी भारी है, लेकिन ये नज़रिए में रख के कि उस किस्म की जो उस वक्त जो काम रहा होगा और उस वक्त की जो एविडेंसेस है काम के बारे में और जो कपड़ों के बारे में, तो वो तो हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते और उसी के हिसाब से हमें लुक क्रिएट करनी पड़ी थी। मेरी सबसे पसंदीदा रेड वाली ड्रेस रही है और जो सेलिब्रेशन सॉन्ग की ऑरेंज ड्रेस, ऋतिक की आमा आमा। मेरे ख्याल से सब ने रिसर्च की, तो मैंने सिर्फ उनकी रिसर्च को कॉपी किया। नहीं, एक्चुअली मेरे ख्याल से आशुतोष जी ने बहुत ही रिसर्च की है इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के कल्चर के बारे में, इन जो दो राज्यों के बारे में उन्होंने फिल्म बनाई है, उनकी कल्चर के बारे में, उनकी जो प्रोबेबल वेशभूषा क्या थी उस वक्त और क्या किस किस्म का लुक होना चाहिए था, जो कलर स्कीम्स हैं उनकी, वो उन्हें क्या रखना था, तो ये सब जब आपका डायरेक्टर इतना रिसर्च करके रेडी होता है और आपको जो वो स्टोरी सुनाता है और जिस किस्म से उन्होंने स्टोरी सुनाई है, जहाँ पे जब स्टोरी सुनते हुए ऐसे लगा कि हम पूरी पिक्चर ही देख रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू विजुलाइज़ कि उन्हें क्या चाहिए और हमें उसमें क्या इनपुट्स देनी है। तो जब ये फाउंडेशन रेडी था तो उस पर रिसर्च करने में बहुत ही आसान सा लगा कि जिस लेवल पे जो हमें काम करना है, जो डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से कितनी क्या रिसर्च होनी थी, वो सब करने में काफ़ी आसानी रही। डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या के साथ हमेशा ऐसे ही रहा है कि वो, मैं ऐश्वर्या के लिए कपड़े नहीं बनाती हूँ, मैं या तो उनकी कैरेक्टर के लिए, डेफिनेटली उनकी कैरेक्टर के लिए कपड़े बनाती हूँ, और इस बार भी मैंने ऐश्वर्या के लिए कपड़े नहीं बनाए, मैंने जोधा बाई के लिए बनाए और उन्होंने भी यही सराहा कि हमने जोधा बाई के लिए कपड़े बनाए हैं, ना उनके लिए बनाया है।